हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? का न्यू वीडियो में स्वागत है गाइस। आज की वीडियो में बात करेंगे हम अपना लैपटॉप या पीसी के वॉलपेपर को कैसे चेंज करें। चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले गाइस, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, आपको अपने लैपटॉप या पीसी के वॉलपेपर को चेंज करने के लिए मैं आपको ऐसे दो तरीके बताऊंगा जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छे होने वाले हैं। चलिए गाइस, पहला तरीका देख लेते हैं क्या है। सबसे पहले गाइस, आपको अपने पीसी में क्या करना है, जो आपका माउस है वहां पर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद गाइस, यहां पर्सनलाइज का ऑप्शन आएगा। जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद गाइस कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आपके सामने आएगा। गाइस देख सकते हैं, यहां पर डेस्कटॉप बैकग्राउंड का एक ऑप्शन आएगा, सिंपली इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गाइस देख सकते हैं, यहां पर जो भी आपको वॉलपेपर, यहाँ पर बहुत सारे आपको वॉलपेपर मिल जाएंगे। सिंपली इसको क्या करना है, आपको क्लिक कर लेना है किसी भी एक वॉलपेपर पर। जैसे देख सकते हैं, मैंने एक वॉलपेपर यहाँ पर क्लिक कर लिया है, सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने में गाइस, यहाँ बहुत सारे आपको ऑप्शन में मिलेगा। देख सकते हैं, आपको पिक्चर पोजिशन का भी ऑप्शन मिलेगा। जैसे गाइस, आप वॉलपेपर को अपने सेंटर में लगाना चाहते हैं, सेंटर में लगा सकते हैं, टाइटल में लगा सकते हैं, स्ट्रेच में लगा सकते हैं, फिट और फिल्म में लगा सकते हैं। सिंपली मैं क्या करूँगा, अपने फिल्म में सिलेक्ट करूंगा। सेलेक्ट करने में गाइस, यहाँ देख सकते हैं, इसमें से मैंने एक पिक्चर सेलेक्ट कर लिया। जैसे देख सकते हैं, ये मैंने पिक्चर सेलेक्ट कर लिया है। ओके गाइस, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर चेंज सेव चेंजेस पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे गाइस, यहाँ पर मेरा वॉलपेपर जो कि है चेंज हो चुका है। ओके गाइस, ये मेरा पहला तरीका था। अगर गाइस आप अपना यहाँ फोटो अपना लगाना चाहते हो, या आपने कोई फोटो वॉलपेपर डाउनलोड किया हुआ है उसको आप सेट करना चाहते हो, तो सिंपली आपको क्या करना है, आपको फिर से डेस्कटॉप बैकग्राउंड पर चले जाना है। जाने के बाद गाइस, यहाँ देख सकते हो ऊपर आपको ब्राउजर का एक ऑप्शन आ रहा है, सिंपली आपको ब्राउजर पर क्लिक करना है। क्लिक करने में गाइस, यहाँ पर जहाँ भी आपने जो पिक्चर है आपका वहाँ आपने सेव करके रखा है, डाउनलोड करके रखा है, सिंपली आपको क्या करना है, आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने में गाइस, सिंपली आपको क्या करना है, सेव चेंजर जो है यहाँ पर सिंपली इसको सेव चेंजर क्लिक कर देना है, जो भी आपने फोटो सेलेक्ट किया है अपना जो डाउनलोड किया था। ओके गाइस, ये पहला तरीका था। तो चलिए गाइस, मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ क्या करना है। गाइस, अपने फोटो को, कोई भी अपने फोटो डाउनलोड करके रखा है या अपनी फोटो रखा है, उसको डायरेक्ट आप क्या करते हो, वॉलपेपर में चेंज कर सकते हो। तो चलिए गाइस, बताता हूँ मैं कैसे करना है। सिंपली क्या करना है, मैं अपने कोई भी एक फोल्डर में चले जाता हूँ जहाँ मैंने अपने पिक्चर्स को डाउनलोड करके रखा हुआ है। यहाँ देख सकते हैं, मैंने अपने पिक्चर्स को डाउनलोड करके रखा हुआ है। यहाँ पर क्या करूँगा गाइस, मैं सिंपली इसको मैं अपने जो भी वॉलपेपर में चेंज करना चाहता हूँ अपने पीसी में, सिंपली क्या करना है, राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने को गाइस, यहाँ पर सेट एज बैकग्राउंड डेस्कटॉप बैकग्राउंड का ऑप्शन आ रहा है, सिंपली क्या करना है, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने में गाइस देख सकते हैं, यहाँ पर एक क्लिक में मेरा जो कि बैकग्राउंड है वो चेंज हो चुका है। तो गाइस, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।